वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुनील सिंह, नेचर ड्रीमलैंड रिसॉर्ट। अगर आप देखें तो इसकी बहुत बढ़िया व्यू है और इतना, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को फॉलो करें और मैं और का गार्डन का व्यू दिखा है। जो नेचर का जो सीन है वो बहुत बढ़िया सीन लगता है। कितना बढ़िया हवा चल रही, वाह। और इस गर्मी के मौसम, अभी जो बरसात की, बरसात थोड़ा रुक गई और बरसात के बाद थोड़ा सा धूप लग गई, धूप लगने के चक्कर में थोड़ा गर्मी हो गई। और कितना बढ़िया, अच्छा ये देखें कितना बढ़िया शानदार पेड़ है, कितने बढ़िया घूमने के लिए कितना शानदार जगह है। और मैं जैसे साइड में हमारे कॉटेज से दो रास्ते जाते हैं, वो साइड सारे कॉटेज, तो ये रास्ता हमारा गार्डन में जाता है। ऑन फायर बोलते हैं हम लोग, ऑन फायर में स्पीड जब हम जाते हैं ऑन फायर, यहाँ पे जो भी गेस्ट लोग आते हैं, जो भी आते हैं ऑन फायर में, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ कर अपनी लाइफ का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया ये साइड अपना गार्डन, झूला झूला का व्यू है, यहाँ पे बहुत बढ़िया शानदार व्यू है। और इतना बढ़िया आप देखिए आगे, और ज़्यादा मज़ा आएगा क्या भैया। आप देखना चाहते थे हमारा झूला है, पहले वाला झूला, दूसरा वाला झूला। अगर किसी को अगर रात को जैसे इंजॉय करनी, पार्टी करनी, ये पार्टी शार्टी जो भी अपना बारबेक्यू सब कुछ रहते हैं, यहाँ पे इस स्पेस पे हम टेबल लगाते हैं और यहाँ पे काफ़ी शानदार मज़ा लेते हैं अपनी लाइफ का। और आगे वाली साइड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कॉटेज का व्यू है, यह नेचर का जो व्यू है बढ़िया, बहुत बढ़िया शानदार व्यू है। क्लाइमेट है, आसमान को देख रहे हैं कितना बढ़िया शानदार तरीके से। इसमें काफ़ी लंबा रास्ता है, इस व्यू में पूरे सारे रूम हैं और कितना बढ़िया शानदार से पेड़ लगाए यहाँ पे नेचर ड्रीमलैंड रिसोर्ट में। तो आप देखें ये वाला व्यू काफ़ी बढ़िया शानदार है। इस स्पेस पे आप देखेंगे को बहुत, जिस तरह की यहाँ पे हवा चल रही, जो क्लाइमेट है वो सबसे बेहतरीन है, जिसको बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल जो प्रकृतिक का जो व्यू ऑलरेडी यहाँ पे जो बसा हुआ है वो बहुत बढ़िया शानदार है। और इसको हम काफ़ी और अच्छा कुछ और इंक्रीज करें इसको। और मेरे खाने के लिए आप ज़रूर आएँ, खाना तो भाई बहुत बड़ा सामने रेस्टोरेंट है, बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी सिर्फ रूम के साइड हम दिखाना चाहते हैं, ये साइड में अपना ये गार्डन व्यू का पूरा स्पेस है। इस साइड में अपने 8 रूम लगते हैं कॉटेज, ये सारा अपना कॉटेज। आप कॉटेज के अंदर जाओगे इतना शानदार बढ़िया डायरेक्शन का, वाह मज़ा आ गया। ये आप देख रहे हैं ये बैठने के लिए, यहाँ पे आके यहाँ पे हम लोग झूला को काफ़ी अच्छा वो करते हैं इंजॉय के लिए। बिल्कुल साइड में यहाँ पे गेस्ट आके आराम से टाइम कॉफ़ी और झूला में झूलने का भी मज़ा, आहा क्या मज़ा आ रहा आप देख रहे हैं वो। ये हाँ ये रहा हमारा, शाम के टाइम आराम से बैठेंगे, हवा आएगी, ये ओपन साइड रहेगा जो कॉटेज के पर्दा है। और यहाँ पे जैसे फैमिली कोई आ गई है, 2 या 3 पीपल्स अराउंड दिस स्पेस, वेरी गुड नाइस प्लेस द कॉटेज। कॉटेज अभी रूम क्लोज है और अपना धूप लगी है और बहुत बढ़िया व्यू लग रहा है यहाँ पे। मैं पिछले 4 महीने से हूँ, मेरा मन नहीं करता यहाँ से, फिर भी काफ़ी बढ़िया क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो ब्यूटी की जो हवा आती है काफ़ी बढ़िया, आसमान रहता है बहुत बढ़िया, ये गर्मी होती होगी, हवा चलती ठंडी ठंडी कूल कूल हवा। ये हमारा गार्डन स्पेस में जितने भी पेड़ हैं काफ़ी बढ़िया व्यू दिख रहा है, बहुत बढ़िया शानदार। ये साइड से हम जाएँगे रेस्टोरेंट के स्पेस से आगे है, ये जो रास्ता है अपना ये वाला कॉमन रास्ता है, इसी में आगे जाता बहुत सारे बंगलों की प्रॉपर्टी है सारी, इस रास्ते से मैं अंदर आता हूँ। ये हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर मैं जाता हूँ। रेस्टोरेंट में आज वेलकम टू रेस्टोरेंट नेचर ड्रीमलैंड रिसोर्ट। और रेस्टोरेंट इस स्पेस में हमारे सारे टेबल जो लगी, आज हमारी क्लीनिंग थी, क्लीनिंग देखो किस तरह से हमने प्रॉपर तरह से हाइजीन किया है, क्लीनिंग को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में कितनी टेबल लगी है, 3-6 टेबल, 6 की 12-14 ये सारी जो टेबल्स हैं इसको हमने अच्छे से प्रॉपर क्लीन किया है, क्लीन प्रॉपर हाइजीनिंग। इसके ऊपर हम अभी डस्ट लगाते हैं, अपना
कपड़ा रहता है डस्टर पूरा पूरा प्लेटिंग बहुत अच्छे से उसको डिजाइनिंग करते हैं। तो आज क्लीनिंग के तौर पर हाइजीनिक रेस्टोरेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से है। यहाँ पर क्लीनिंग की लाइफ में सेंट का फुल फॉर्म होता है क्लीनिंग हाइजीनिक एथिक्स फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग के बारे में। ये रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं कि हमारा फूल जो बिल्कुल पीछे की साइड है रेस्टोरेंट के बाहर इतना बढ़िया शानदार व्यू दिख रहा है। बहुत बढ़िया रूम भी बहुत बड़ी सुहानी लगी है। काफ़ी शानदार व्यू दिख रहा है और ये साइड में आपका काफ़ी शानदार है। आप किचन के अंदर थोड़ा किचन का व्यू मैं आपको जरूर दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में डाला था जस्ट पहले कुछ टाइम रेस्टोरेंट में किस तरह से हमने किचन को प्रॉपर क्लीन किया है। ये साइड में देख रहे हैं इसको हम अच्छे से बहुत अच्छी तरह से हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करते हैं। ये हमारी टेबल किस तरह से हाइजीन जैसा अरब कंट्री या बाहर कंट्री होते हैं उस तरह के लिए प्रॉपर इसको प्रॉपर मैनेजमेंट सेटअप करना चाहता हूँ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन हो जाएगा। ये काफ़ी बढ़िया है। ये देखो किस तरह से क्लीनिंग को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से है। तंदूर है, तंदूर में आप छोटा वाला तंदूर सिगड़ी बारबेक्यू रहता है इसमें। जब मतलब जैसे चार रूम पाँच रूम रहेंगे तो उसमें बारबेक्यू रहता है। ये बड़ा तंदूर है इसमें अपन जैसा पार्टी का रूमिंग रहेगा ये सब हमने अभी इसको सेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी वो है हमारे कमेंट बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरे को सपोर्ट कीजिए। शेफ सुनील सिंह WIC वेस्टर्न इंडियन सेलिब्रिटी शेफ ऑफ इंडिया। थैंक यू गाइज़।